के द्वारा और चित्र के द्वारा आपको सब्जियों का परिचय दिया गया है, बराबर। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। 63 नंबर, आप मुझे बताइए, कोई भी सब्जी हो उसके बारे में, जैसे कि बैंगन, बैंगन के बारे में आप बताइए, आप क्या जानते हो? बैंगन चलो तो सर्दियों के सीजन हाँ, में बहुत अच्छे हैं बैंगन। फिर बैंगन हमारे लिए हमको उसमें से प्रोटीन उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है? मिलती है। उसका रंग जामली कलर का है, उसके ऊपर वो उसकी डांडिया और वह देखने में कैसा होता है? छोटा छोटा होता है बैंगन। छोटा ही होता है, बड़ा भी होता है। ओके चलो, 70 नंबर, हेलो, चलो आप मुझे बैंगन के बारे में बताओ, आप क्या जानते हो? बैंगन जामले कलर का होता है। हाँ, फिर मिनट कहता हूँ, रुका हूँ 2 मिनट। जल्दी बोलो बेटा, और कुछ भी पूछना है मुझे? बैंगन से भरता बना सब, फिर आगे फिर वो चलो पूरा खत्म, बस इतना ही? बस ओके, बैंगन काले या हरे रंग के होते हैं। बैंगन है, उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है, जो पानों वाली आपने बताई ना, डंडी होती है वह। बैंगन गोल या लंबा भी होता है, बैंगन की सब्जी बनती है और बैंगन का भरता भी बनता है। तो इसी प्रकार बैंगन है वह हमारे लिए उपयोगी है। उसके बाद 52 नंबर, हमें फिर आप टमाटर के बारे में बताइए तो। टमाटर में मिस खाते हैं, अच्छी सब्जी में नाखते हैं डालते टमाटर, हैं हाँ, फिर मिस मिस पची दाल में टमाटर नाखते हैं, मिस पची टमाटर ठंडे होकर बदा खाई सी। हिंदी में बोलिए, हिंदी में। टमाटर का हाँ सॉस भी बनता है, चलो, मिस आपकी बारी टमाटर आए से तब आप बताना। हाँ मिस सब्जी बनता है टमाटर का। ओके, 88 नंबर, खाली आप बताइए बेटा। टमाटर का सॉस, टमाटर की चटनी, टमाटर का साग, टमाटर की सब्जी, टमाटर का सलाद, टमाटर का सूप, फिर ये सभी कुछ बनता है, हाँ मगर उसका स्वाद देखने में कैसा है यह तो बताइए। खट्टा और मीठा, टमाटर का रंग कैसा है? रेड कलर तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? का, और उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा और मीठा होता है। वेरी गुड, यानी यहाँ पर हम देखें तो टमाटर है, उसका रंग लाल होता है, उसका स्वाद जो है वह खट्टा मीठा होता है, और बच्चे और बूढ़े सबको टमाटर बहुत पसंद होते हैं। टमाटर देखने में गोल होते हैं। स्पीकर बंद कर दीजिए जिसका शुरू है बेटा।
स्पीकर बंद कर दीजिए। फिर टमाटर की सब्जी बनती है, सलाद में उसका उपयोग होता है, सूप बनता है। ओके, उसके बाद 74 नंबर, 74 नंबर करेले के बारे में बताइए आप। चलो करेले के बारे में बताइए। करेले 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 ऐसे ना छोटा मोटा होता है। फिर स्वाद में कैसा होता है? मीठा, कड़वा, कड़वा। फिर फिर 83 नंबर, प्रेजेंट है बेटा। 72 नंबर, 72 नंबर, 63 नंबर, 63 नंबर। आप बताइए बेटा, करेले के बारे में आप क्या जानते हो? करेला कड़वा हो, खरबचड़ा हो, रंग ग्रीन हो, नीलो। फिर ओके, करेला हरे, सूप भी बनती। हाँ, करेला हरे रंग का होता है, वह स्वाद में कड़वा होता है और उसके दोनों छोर, छोर यानी कि बन्ने छेड़ा थी, ते नुकीले यानी कि बन्ने छेड़ा थी करेला छे ने अणीवाड़ा होय छे, यानी कि दोनों छोर से यह करेला नुकीला होता है और करेले की सब्जी भी बनती है, करेले की छिलके का जूस भी बनता है। करेला है वह जब हमें बुखार होता है या डायबिटीज, मधुप्रमेह जैसी बीमारी होती है, उसे ठीक करने में करेला बहुत उपयोगी होता है। चलो 77 नंबर, 70 नंबर, फिफ्टी टू नंबर। लौकी के बारे में बताओ बेटा। लौकी मिस लौकी એટલે ઘોળા ને લૌકી યાની દૂધી સબ્જીઓ મે લૌકી જો હોતી હે ના आमिस, उसके बारे में मिस दूधी का मिस साग बनता है, अच्छी मिस दूधी, हिंदी में बोलना है बेटा। दूधी को लौकी कहते हैं, लौकी शब्द बोलकर बोलो बेटा। हाँ, मिस लौकी का साग बनता है, लौकी सब्जी का, सब्जी बनती है, पची इसका नाम है लौकी, पची इसका हलवा बनता है, देखने में कैसी है हलवा, हलवा देखने में कैसी है लौकी? मिस लौकी सफेद सफेद होती है ऊपर से, मिस ऊपर से है ना डार्क होती है, डार्क, अच्छी डार्क, हरे रंग की होती है लौकी। फिर
पची लोकी लोकी हरे ओके चलो लोकी हरे रंग की होती है और वह लंबी होती है बराबर। लोकी हमारे शरीर को तंदुरुस्त मिसचार बनता है तंदुरुस्त बनाता है। जब हम बीमार होते हैं अचार बनाता है इसका अचार बनाता है किसका आ, आ, लोकी का लौकी का अचार बनता है आमिस कैसा बनता है इसे तो मेरे को नहीं खबर। तो फिर लौकी से सब्जी बनती है लौकी से हलवा भी बनता है और हम सिर पर जो तेल लगाते हैं तो लौकी का तेल भी बनता है। ओके चलो उसके बाद रोल नंबर 88 आप गाजर के बारे में बताइए। गाजर के बारे में बताइए बेटा। 93 नंबर है आपका। 88 मिस। हाँ 88 नंबर बोलिए बेटा। गाजर का हलवा बनता है सलाद बनता है अचार बनता है फिर क्या बनता है पुलाव बनता है। गाजर लंबा होता है उसका रंग लाल होता है। वेरी गुड फिर बहुत अच्छा। चलो गाजर लाल होता है गाजर मीठा होता है गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला यानी कि अणी वाला होय छे उसका अचार पुलाव सलाद और हलवा बनता है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी सब्जियों का परिचय देखा बराबर जिसमें बहुत सारी ऐसी सब्जियां जो अभी तक आई भी नहीं मगर हम जो यह पाठ है कैसा शोर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ के नीचे एक आदमी है वह सोया हुआ है। क्या किया हुआ है सोया हुआ है। उस आदमी का नाम क्या है बिरजू चाचा। कौन सा नाम है बिरजू चाचा। आपको प्रश्न पूछा जाए कि बिरजू चाचा कहाँ सोए हुए थे तो बिरजू चाचा पेड़ की छांव में सोए हुए थे। अब आप आसपास देख रहे हो वह बिरजू चाचा का खेत है और उस खेत में बिरजू चाचा ने बहुत सी सब्जियां उगाई हैं जैसे बैंगन है मिर्च है लौकी है आलू है शकरकंद है बंद गोभी है मिर्ची है बराबर ऐसी बहुत सी सब्जी है वह बिरजू चाचा ने अपने खेत में उगाई हुई है। अब एक दिन इस प्रकार बिरजू चाचा पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करने के लिए लेटे थे तभी उसके खेत से कुछ सब्जियां जो है वहां निकल आई। यहां पर आप देख सकते हैं कि बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था बिरजू चाचा पेड़ यहां पर है पेड़ कहाँ पर सोए हुए थे तो पेड़ की छांव में। यहाँ पर जो सब्जियां है उसके चित्र दिए गए हैं और उस चित्र के नाम के द्वारा हमें पाठ में उस सब्जियों को पढ़ना है ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिरजू चाचा खेत में पेड़ की छांव के नीचे सोए हुए थे आराम से लेटे थे कि उसे नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। अब देखो यहाँ पर भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सभी सब्जियां क्यों इकट्ठी हुई तो आपको बताना है कि सभी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई क्यों इकट्ठी हुई खेलने के लिए बराबर।
फिर आगे यहाँ पर खेलते खेलते सब सब्जियां नोक झोंक पर उतर आई। नोक झोंक पर उतर आना यह मुहावरा है, यानी कि चर्चा विचारणा करना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई व्यक्ति है, मेरा तो यह अच्छा है, मेरा तो वह अच्छा है, तो तीसरा आकर कहेगा देखो तुम दोनों रहने दो, मेरा तो ये अच्छा है। तो इसी प्रकार नोक झोंक करना यानी कि मीठी चर्चा करना। नोक झोंक उतर आई, सबसे पहले आलू ने कहा कि मैं सब्जियों का सरताज हूँ। आलू क्या है? सब्जियों का सरताज। क्या है सरताज? यह आपको एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी पूछा जा सकता है कि आलू ने कहा कि मैं सभी सब्जियों का सरताज हूँ। क्यों सरताज हूँ? क्योंकि हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम आलू डालते हैं, भिंडी आलू की हो, बंद गोभी आलू की हो, लौकी आलू की हो, बराबर। तो इसी प्रकार आलू की सब्जी बनती है और आलू सभी सब्जियों में डाला जाता है, इसीलिए वह अपने आप को सरताज बताता है। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, बच्चे बूढ़े को तो मैं बहुत भाता हूँ। यानी कि आलू है वह सभी को अच्छा लगता है, कोई सब्जी दे या न दे, आलू की सब्जी दे दो तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, बराबर। तो इसी प्रकार यहाँ पर जैसे ही आलू अपनी बात करता है कि चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे बनती है। आलू से कौन कौन सी चीजें बनती है यह भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार चीजें आलू से बनती है। अब आलू अपनी बात कर ही रहा था तभी यह शकरकंद है। शकरकंद जमीन से बाहर आया और वह कहने लगा कि मैं आलू का मित्र हूँ। यह भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति या विकल्प में पूछा जा सकता है कि आलू खाली जगह का मित्र है या आलू किसका मित्र है, तो शकरकंद का, क्योंकि आलू जो है वह और शकरकंद दोनों जमीन के अंदर ही उगाए जाते हैं, तो शकरकंद आलू का मित्र है। फिर शकरकंद जो है वह अपनी बातें करता है, क्या कहता है कि मुझे भी लोग पसंद करते हैं। शकरकंद स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है, तो वह कहता है कि मुझे भी लोग पसंद करते हैं। अब तभी तभी मटर से, यानी कि यह आप देख रहे हैं, मटर से दाने उछल कर बाहर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें भूल गए, कई प्रकार की सब्जी, पुलाव और चटपटी कचौड़ियों की जान है हम। यानी कि मटर से, मटर का उपयोग हम पुलाव में करते हैं, सब्जी में करते हैं और उससे चटपटी कचौड़ियाँ भी बनती है। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े, यानी कि मटर अपनी बात कर ही रहा था तभी लौकी और गाजर कूद पड़े और कहने लगे, क्या कहते हैं कि रायता, कोफ्ते और हलवा तो हमारा भी बनता है। और लौकी बोली, लौकी जब बोलने ही जा रही थी तभी गाजर ने उसकी बात काट दी और गाजर खुद बोलने लगा कि हरवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा है, देखने में कैसा, मैं लाल हूँ और सुंदर हूँ। तो इसी प्रकार लौकी और गाजर है वह अपनी बात कर रहे थे और गाजर का नाम सुनते ही, यानी कि गाजर का हलवा, ऐसा नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पर मुहावरा है मुंह में पानी आना, यानी कि खाने की इच्छा होना। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं,
यानी कि लौकी की सब्जी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। जब कोई लोग बहुत बीमार होते हैं ना, उसे कुछ खाने के लिए कम खाने के लिए कहा गया हो, तब हम लौकी की सब्जी खाने के लिए उसे देते हैं, क्योंकि लौकी है वह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई और कहने लगी, मैं भी अरब की बारे में बोल रहे थे तो बंद गोभी पीछे क्यों रहे? और बंद गोभी भी कहने लगी कि मैं भी शरीर के आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ, और मेरी सब्जी और कचुंबर, यानी कि सब्जी और कचुंबर और सलाद में भी मेरा स्थान है। तो मिर्ची जो है यहाँ पर क्या है, मिर्ची, तो मिर्ची जो है वह भी आगे आती है और वह कहने लगती है, क्या कहती है? वह कहती है कि सभी लोग चुप हो जाओ, मेरे बिना तो सबकी क्या कीमत, यानी कि सब्जी अच्छी बनती है मगर उसमें मिर्च मसाले नहीं डाले तो सब्जियों की कोई कीमत नहीं, मेरे बिना सभी सब्जियां जो है वह फीकी है। आपको प्रश्न पूछा जाए कि किसके बिना सब्जियां फीकी है, तो मिर्च मसालों के बिना सब्जियां फीकी है। तभी यह मिर्ची अपनी बात कर रही थी, मैं पतली और चुस्त हूँ। मिर्ची कैसी है? पतली और चुस्त। अपनी बात कर रही थी तभी भिंडी आई और भिंडी ने कहा कि अपनी कोमल और अनूठे स्वाद की वह प्रशंसा करने लगी कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ। अब इतनी बातें सब कर रहे थे तभी करेला कैसे चुप बैठे? वह अपने बारे में बोलने जा ही रहा था कि यह टमाटर बीच में कूद पड़ा और वह बोलने लगा, उसे रोक दिया, यानी कि करेले को रोक दिया और वह बोलने लगा कि तेरा नाम सुनते ही तो बच्चे दूर भागते हैं, यानी कि करेला का नाम जब हम सुनते हैं तो बच्चे को करेला पसंद नहीं, तो बच्चे जो है वह दूर भागते हैं। तूने मेरा स्वाद देखा, मेरा रूप रंग देखा, यानी कि मैं देखने में एकदम लाल, मुझे देखते ही लोगों को खाने की इच्छा होती है, और मेरा जो स्वाद है वह भी कैसा है, खट्टा मीठा। कैसा स्वाद है? खट्टा मीठा। यह तो सबको बहुत पसंद होता है। और यह सुनकर करेला जोर से चिल्लाया और बोलने लगा कि सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं, अच्छे गुण भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ज्वर यानी कि बुखार होता है और डायबिटीज की बीमारी होती है तो लोग मुझे बड़े चाव से खाते हैं, और लोग जो है उसकी बीमारियां भी मैं ठीक करता हूँ। तो इसी प्रकार यह करेला अपने गुण बताता है। अब उसके आगे हम देखें तो आखिर में अंत में ये कलगीदार कौन सी सब्जी है, यह भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह कलगीदार बैंगन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो नीले रंग की है और पत्ता पत्ता है वह उसकी कलगी है, तो यहाँ पर कलगीदार बैंगन को कहा गया है। तो यह कलगीदार बैंगन आया और उसने सभी को शांत कहा, और शांत करते हुए क्या कहा, तो के कहा कि दोस्तों आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हो, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हो। क्यों? क्योंकि सब्जियां बनती हैं तो उसमें मिर्च मसाले भी डाले जाते हैं, अकेली सब्जी बनाएंगे मिर्च मसाले नहीं डालेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, और अकेले मिर्च मसाले होंगे सब्जी के बिना तो उसका भी टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए तुम सब लोग एक दूसरे के पूरक हो, यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरे हो।
तो इसी प्रकार बैंगन सभी सब्जियों को शांत करता है और सबको कहता है मिलजुल कर रहना। यहाँ भी मुहावरा आता है यानी कि इकट्ठा होकर रहना, बराबर एक होकर रहना। तो यह मिलजुल कर रहने की बात बैंगन करता है और आपस में जो लोग चर्चा विचारना करते करते झगड़े पर आ जाते उसे वह रोक देते हैं। और फिर आगे बैंगन बताता है कि यह बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च को मिलाकर कचुंबर बनाया जाता है। क्या बनता है? लज्जतदार यानी कि टेस्टी कचुंबर बनता है। तो उसी प्रकार आलू, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से मन भावन यानी कि हमें अच्छी लगने वाली मन भावन, हमारे मन को जो पसंद है वह सब्जी बनती है। और उसके साथ साथ मिर्च, धनिया और अदरक जैसे मसाले हैं वह रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मिर्च मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इसी तरह एक साथ घुल मिल कर और मजेदार हो जाओगे यानी कि सब्जी और मिर्च मसाले इकट्ठा हो जाए तो और मजेदार हो जाएंगे यानी कि हमें खाने की इच्छा होगी। कभी कभी आपकी मम्मी आपके लिए खाना पकाती है और वह रसोई घर में है मगर आप और रूम में है तो सब्जियों की सुगंध ही इतनी आती है कि आपको वह अपनी ओर खींचती है। तो इसी प्रकार इन मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध आते हैं। फिर इतने में यह सारी सब्जियां इकट्ठी होकर इतनी बातें कर रही थी, यह बैंगन सबको समझा रहा था। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे और बिरजू चाचा को जागते हुए देखकर यानी कि वह सोए हुए थे, तब तब तो सभी सब्जियों ने अपनी अपनी बात कह दी, मगर जैसे ही बिरजू चाचा उठे तो सभी सब्जियों ने अपने अपने स्थान पर जाने की सोची यानी कि यहाँ पर यह जो लौकी, करेला और ककड़ी है वह बेलों पर जा बैठे और शकरकंद, आलू, गाजर, बीट है वह जमीन के अंदर घुस गए। उसी प्रकार भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर है वह पौधे की डालियों में छिप गए और बिरजू चाचा है वह रोजिंदा अपना काम करने लगे। अब यहाँ पर आपको यह जो है बेलों पर होने वाली, फिर जमीन के अंदर होने वाली और पौधे पर होने वाली सब्जियों के नाम कौन कौन से हैं, यह प्रश्न इकट्ठा होकर बड़े प्रश्नों में भी आपको पूछा जा सकता है या एक एक वाक्य के प्रश्न में भी आपको पूछा जा सकता है कि चलो बेलों पर होने वाली सब्जी के नाम बताइए या जमीन के अंदर जो सब्जियां होती है उसके नाम बताइए या पौधों पर जो सब्जियां होती है उसके नाम बताइए। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपको यह बेलों पर, जमीन के अंदर और पौधे पर होने वाली सब्जियों के नाम जो है वह अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा टास्क पूरा होता है यानी कि पाठ पूरा होता है और इस पाठ में बहुत सारी सब्जियों के नाम और उसका महत्व भी बताया गया है। तो इस सब्जियों का हमारे शरीर में बहुत महत्व है यानी कि सब्जियां हमारे शरीर में पोषक तत्व देती है और हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, कोई बीमारियां है वह हमसे दूर रहती है। कभी कभी कोई बच्चा है ना वह सिर्फ आलू खाता है तो आलू ही खाता है, उसे दूसरी कोई सब्जी अच्छी ही नहीं लगती।
तो यहाँ पर इस पाठ के द्वारा हमें बताया गया है कि सभी सब्जियों का हमारे शरीर को इतनी ही जरूरत है, बराबर। सभी सब्जियां बड़े चाव से हमें खानी चाहिए। तो इसी प्रकार आपने सब्जियों के बारे में जाना, बराबर। अब मैं इसी सब्जियों में से आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ। देखो, एक एक पैराग्राफ में ऊपर करती जाऊंगी और आपको कुछ न कुछ प्रश्न पूछती जाऊंगी। 63 नंबर, आप बताइए सब्जियों में क्या है। आलू सब्जियों में क्या है? मैं भी हूँ 93 नंबर। हाँ बेटा, आपकी बारी भी आएगी लाइन में। हाँ चलो, आप बोलिए बेटा। हाँ, क्या आलू? यहाँ पर जो मैंने पैराग्राफ आपको दिया है उसमें से ही मैं कुछ आपको प्रश्न पूछ रही हूँ कि आलू सब्जियों में क्या है। आलू ने कुछ कहा था, खबर पता है? सरताज। वेरी गुड। तो आलू सब्जियों का सरताज है। 93 नंबर, 93 नंबर, 93 नंबर, 70 नंबर, 52 नंबर, 52 नंबर, 52 नंबर, 88 नंबर, 88 नंबर। मिस्टर जवाब आपो। 88 नंबर प्रेजेंट है। 88 नंबर, मुझे बताए बिरजू चाचा कहाँ सोए हुए थे? पेड़ के छांव में। वेरी गुड। बिरजू चाचा पेड़ की छांव में, यहाँ पर आप देखते हैं कि पेड़ की छांव में सोए हुए थे। वेरी गुड। चलो 74 नंबर, 74 नंबर, 83 नंबर, 83 नंबर, 72 नंबर, 72 नंबर प्रेजेंट हो बेटा। आप बताइए आलू से कौन सी चटपटी और मजेदार चीजें बनती हैं? इसी पैराग्राफ आपके सामने है, उसी में है, उसी में से आपको बताना है आलू से कौन सी चटपटी और मजेदार चीजें बनती है। चटपटी है, बताइए बेटा। कचौरी। यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में आप देखिए। फिर हाँ
प्रकार की सब्जी है, कई प्रकार की सब्जी है। फिर आलू से चाट, चिप्स, टिकिया, बराबर ऐसी मजेदार और चटपटी चीजें बनती है जो आपको सब्जी के अलावा भी बहुत अच्छी लगती है, बराबर। ओके चलो, उसके बाद 63 नंबर, 63 नंबर, 63 नंबर, ओके चलो बाकी के प्रश्न हम बाद में पूछेंगे। यहाँ पर हमारा टास्क पूरा होता है। यह जो पीडीएफ है मैं आपको भेज दूंगी। आज के होमवर्क में आपको यह 9वां पार्ट है, कैसा शोर, वह रफ बुक में एक बार लिखना है, ठीक है।